अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया रशीद ऑफिशियल में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं? और आज जो मैं आपको मिलवाने के लिए लाई हूँ, मतलब माजी की बहुत ही खूबसूरत हीरोइन रही हैं, बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है और उनको खूबसूरती का जो है ना अवार्ड भी मिला हुआ है, मलका हुस्न का। तो उनका नाम है वैसे जी, बहुत ही हमारे लिए सीनियर हैं, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और इंसान बहुत अच्छी हैं। नाम है उनका साबरा सुल्ताना जी। मगर उनसे बात करने से पहले आप लोग प्लीज़ अपना काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब उनसे मिलते हैं साबरा जी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्ला। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और मतलब हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हम माजी की इतनी खूबसूरत अवार्ड याफ्ता हीरोइन से बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं। वेलकम। तो मैम आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे बताएंगे, आप मतलब बेसिकली कहाँ की हैं? लाहौर से बिलोंग करती हैं, कहाँ की हैं? नहीं, मैं पैदा तो इंडिया में हुई थी। तो अच्छा। हम लोग काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान आए। अच्छा जी। पार्टीशन में नहीं आए। अच्छा। तो काफ़ी अर्से के बाद आए, तो मेरे डैडी जो थे वो ब्रिटिश कंपनी के इंचार्ज थे काफ़ी, एक शोबे के। अच्छा जी। तो वहाँ पर ये एड्स वगैरह भी होते थे, इश्तहारात वगैरह, एक शोबा ऐसा भी था। जी मुझे जी। बड़ा शौक था कि मैं उसमें, डैडी नहीं राजी होते थे, मैं कहती अच्छा। मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़ा शौक था कि मेरी तस्वीरें नज़र आए अखबार में इधर, मतलब एक वो शोहरत का शौक। यानी कि आपको शुरू से ये ज़रूर पता था कि आप खूबसूरत हैं। नहीं माशाल्लाह आप अभी भी बहुत प्यारी हैं। तो आपने मतलब जो इब्तदाई तालीम थी, एजुकेशन, वो कहाँ पर की? थोड़ा सा कथा कला। जी जी प्लीज। खूबसूरती के हवाले से एक दिलचस्प बात थोड़ी सी बताऊँ। ज़रूर। कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे डैडी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे, रंग उनका इतना गोरा नहीं था। अच्छा। मेरी वालदा जो थी बहुत गोरी थी। अच्छा जी। तो नैन नक्शवार, तो जब वाले साहब मजाक में कहते थे, बेगम जो हमारे यहाँ बेटी बेटा आएगा तो रंग आपका लाएगा गोरा चिट्टा, और नैन नक्श मेरे लाएगा। अच्छा। आपके नैन नक्श कोई खास नहीं है। ओ, 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 फिर तो लड़ाई बन जाती होगी। तो मेरी बाबा ने बड़ी कुछ लाया है मेरे ऐसे भटक के बोला। अच्छा मेरे तो वाले साहब के, अच्छा वो कहना कुछ पूरा ही हो गया अल्लाह की तरफ से, वो रंग बिल्कुल मतलब गोरा रंग में वाले साहब के और नैन नक्श बिल्कुल वालदा, मतलब आप सही सही मिक्सचर बन गए दोनों की, मतलब ब्यूटी भी और कलर भी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपने जो एजुकेशन की स्टार्ट, वो लाहौर में ही, किस ईयर में, मतलब लाहौर आप लोग आए? और हम लोग आए हैं 55 में। अच्छा। तो थोड़ा तो आप उधर एजुकेशन, एजुकेशन थोड़ी सी भी थी वहाँ पर। अच्छा। तो फिर इधर आके आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा भी इंटर, लेकिन फिर वो बस वो एक जुनून था जी के आना है, आना है, शोहरत है ये। तो कब स्टार्ट किया था मैम आपने मीडिया को, कब स्टार्ट किया? पहले तो मैं रेडियो के, रेडियो में यानी अपने सोच रही थी कि ड्रामे में काम करूं, और उसका बड़ा कुछ पहले तो वो जुनून हुआ, जुनून तो अजीब अच्छा। गरीब हो जाता था ना मेरा कभी। अच्छा रेडियो में, फिर फिल्म में, फिर टीवी में, फिर ये वो जी वो मतलब स्टेज छोड़कर। आपने रेडियो पर मतलब बाकायदा हाँ काम किया क्या? कोई मैंने ऐसे किया लेकिन वहाँ पर मैं खत लिखा करती थी बच्चों के प्रोग्राम। अच्छा। वो नाम अनाउंस होता था तो मैं बड़ी खुश होती थी कि मेरा नाम अनाउंस हुआ, कराची से साबरा सुल्ताना लिखती हैं। अच्छा। बहुत फूल के कुप्पा। अच्छा। अच्छा फिर भाई नहीं, डैडी कहने का अच्छा चलो ड्रामे, एक ड्रामे मैंने काम किया। अच्छा। उसका नाम नहीं मुझे याद, काफी पुराना। अच्छा। बड़े मतलब बेमिसाल वहाँ के सदाकार होते जो मुझे अभी तक याद है। अच्छा जी। पता नहीं अब हयात है कि नहीं। जी जी। फिर वो एड में, फिर वाले साहब के जो दोस्त थे वहाँ ब्रिटिश कंपनी में, उसका नाम था जे वॉल्टर थॉम्सन। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि अगर बेबी का शौक़ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक वो के फिर वो इश्तहार वगैरह थे, कोई साबुन का था, कोई डिटोल का था, पता नहीं। मतलब सबसे पहले आपने लाइक ऐड किया था कि रेडियो किया या फिल्म की, सबसे पहले क्या? नहीं था उस वक्त वो, मतलब गुलूका, सॉरी सदाकारी तो हो गई ना। अच्छा जी। अच्छा। तो फिर मैंने वो उसमें कोई इश्तहार थे, वो क्रीम का इश्तहार था फिर। अच्छा। वो उसका, तो उसमें उन्होंने पहले पहले तो मेरी बड़ी हिमाकतें की, तो बेचारे कैमरा ऑन करते थे तो वो कहते कि आपने ना ये सेब है खाना, तो वो सेब खा के बाद बैठ जाती थी।
उन्होंने कहा जी वो तो अभी तो आपकी शूटिंग ही नहीं शुरू हुई, आपकी तस्वीर ही नहीं, आपने पैसे पहले खा ली। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ, गलती हो गई। अच्छा तो पता नहीं आता नहीं था नहीं, इतने पता नहीं, वो तो जाहिर है। तो पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? फिर उसके बाद में वो पिक्चर मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा देखो इश्तेहार आ गया, मैं नजर आ रही हूँ। उस वक्त साड़ी ज्यादा पहनी जाती थी। जी 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 बिल्कुल, व्हाइट साड़ी थी और वो चोटियों वोटियाँ बनाई। पहली फिल्म वो इंसाफ थी। तो वहाँ पे फिर वो मेरे वालिद के इंडिया के दोस्त थे। अच्छा जी। वो फिल्म मतलब कुछ फिल्म में उनका दखल अमल था, तो उन्होंने फिर कहा कि भई ये आप अगर उसको शौक़ है तो आप कर रहे हैं उसको काम। अच्छा। तो इंसाफ फिल्म एक बन रही थी, तो उन्होंने जब हम गए तो उन्होंने फौरन मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो उसमें अल्लाह बख्श हबीब साहब और बहार बेगम। अच्छा। तो सेकंड फेयर मेरा था। अच्छा जी। तो उसमें फिर काम किया, काफ़ी मुश्किल मुझे लगा कि तो अदाकारी बड़ी मुश्किल है, लेकिन बहरहाल वो एक जुनून था जी। तो इंसाफ अच्छी रही, यानी कामयाब। मतलब मुझे आप ये बताएं कि आपको इस फिल्म लाइन में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी कि आसानी से वैसे आ गए आप? आसानी से इंसाफ में उन्होंने बताया जी जी, जब उन्होंने मेरे वालिद के दोस्त थे, दोस्तों के तवस्सुत से आई तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। फिर वो इंसाफ फिल्म चली, फिर उसके इंसाफ को के बाद फिर एक तुम ना मानो फिल्म बनी, वो उन्होंने भी मुझे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। उसमें अच्छा, शहजादी अच्छा, का रोल था, उन्होंने कहा जी शहजादी के रोल के लिए तो यही सबसे बेहतर रहे। अच्छा अच्छा। उसमें किया। फिर एक फिल्म बनी थी छोटी बहन शायद। अच्छा। उसमें रानी और मैं थे। तो डांस वांस भी खूब अच्छा आता है? डांस मुझे बस डांस का पता नहीं क्या शौक था मुझे, बचपन में कोई कहीं से आवाज़ आती थी गाने की तो खामखा सरवर हिल रहा था मेरा। मतलब माशाल्लाह शौक सारे थे आपको? बड़ा था, बड़ा शौक। सरवर हिल रहा रहता था तो वालिदैन की तरफ से डांट पड़ती थी, क्या क्या कर रही है मेरे को, बचपन डांट पड़ती। तो आपके अलावा कोई बहन भाई आपका इस फील्ड में नहीं आया? नहीं, मैं तो इकलौती बेटी। अच्छा, आप इकलौती हैं? मेरे अच्छा, वालिद की तीन बीवियाँ 11 बच्चे। माशाल्लाह। मतलब आप अपनी मदर से इकलौती थी? मतलब बिग 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 फैमिली। तो फैमिली तो मैं अपने वालदा के इकलौती बेटी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और तो हमारी फैमिली तो खैर बहुत, तो वो तो उन्हें ये भी पसंद नहीं था कि मैं फिल्मों में आई, वो तो बड़े नाराज रहे, काफी अरसा नाराज रहे। ऐसे ही होता है हमारा। पठान फैमिली है ना हमारी, मंगेश पठान है वो। अच्छा, पठान है। अच्छा, तो मुझे आप दूसरा ये बताएं कि आपको जो मलका हुस्न का मतलब खिताब मिला था, किस फिल्म से और किस साल में मिला ये? मिला मुझे आदिल, मलका का रोल था, और मुजाहिद एक फिल्म बनी थी उसमें शहजादी का रोल था, पोलैंड की शहजादी। अच्छा। दोनों फिल्मों में फिर मुझे इंडस्ट्री वालों की तरफ से भी। अच्छा। और ये सहाफियों की तरफ से भी फिर। अच्छा, ये दोनों हाँ, तरफ से दोनों आपको। मेरा ख्याल आप ही होंगी अभी तक इंडस्ट्री की जिन्होंने दो अवार्ड मतलब ऑब्वियसली के एक वक्त में दो अवार्ड आपने हासिल किए सेम। तो बाकी आपका जो ये आपने कितना अरसा फिल्म में, लास्ट मूवी कौन सी थी आपकी मैम? नहीं, शादी से मेरी हुई थी 74 में, उस लास्ट मूवी मेरी थी ये हाँ बेमिसाल। अच्छा, शहबाब केरानी साहब। शहबाब केरानी साहब ने मुझे अच्छा, अपनी फिल्मों के लिए पसंद किया। फिर कराची से उन्होंने लाहौर बुलवाया। अच्छा। दो फिल्मों के लिए। अच्छा। वो एक शुक्रिया जमीला और शुक्रिया। तो लाहौर, फिर आप लाहौर सेटल हो गई? किस सन में आ गई आप लाहौर? फिर सेटल हो गई। किस ईयर में आई थी लाहौर आप? 63 में। 63 में, तो बस फिर इधर ही रही माशाल्लाह, वो काम चल गया। काम तो मूवीज ही सिर्फ की, थिएटर वेटर कुछ नहीं किया तब? नहीं, वो तब स्टेज पे नहीं हो सकता, नहीं कहता, बहुत मुश्किल काम है भाई, वो तो बड़ा मुश्किल इतने लोगों में। वो बड़े बुलाते थे, कहने लगे आपकी हाइट की कोई हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है, आपकी हाइट ये है, फला है फला। मैंने कहा भाई मेरे तो रूह फना हो जाए देख के इतने लोगों को, मैं तो कभी भी नहीं करूँ। नहीं, लेकिन आप में तो खैर वैसे ही बड़ा मतलब एक्ट्रेस हैं आप, तो वो तो कोई इशू नहीं था। तो उसके साथ काम किया होगा तकरीबन जो फिल्म पर डायरेक्टर मतलब उस जमाने में, शबाब केरानवी साहब, हसन तारिक, क्या इकबाल कश्मीरी और भी थे, हाँ हसन अस्करी, ये चीदा नाम तो थे, इनके साथ मैंने काम किया। अच्छा। और बहुत से डायरेक्टर्स तो आपकी अपनी कौन सी ऐसी को फेवरेट मूवी जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, यार मुझे बहुत अच्छा, मैंने इसमें मुझे मुजाहिद बहुत पसंद। अच्छा। एक तो उसमें ये कि इस्लाम और कुफर की उसमें जंग बताई, वो मेरे मुझे अच्छा, अच्छा। इस वजह से वो अच्छी लगी। फिर मैं इसमें
मेरा रोल बड़ा अच्छा था और फिर मेरा गाना था दिल धड़का कौन आए, वो अच्छा। गाना भी मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, इसलिए मुझे मुजाहिद फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो कोई आपने ऐसा करेक्टर जो आपको बहुत ख्वाहिश रही हो कि नहीं किया, या को भी ऐसा हुआ कि कोई करेक्टर? बहुत से रोल थे जी, मतलब बहुत से ऐसे, जैसे कि अंधी का रोल मैंने अभी तक नहीं किया था। अच्छा, गूंगी का रोल नहीं किया था। वैसे ड्रीम क्या था आप, जैसे आपको, जैसे मुझे पर्सनली शौक है कि मैं कॉमेडी करूं और मैं नेगेटिव रोल करके देखूं कि मैं उसकी एबिलिटी में हूं कि नहीं, तो आपका क्या वो था कि मुझे कॉमेडी का? तो मुझे बहुत शौक है कि मैं बेसिकली मैं जिद्दा दिल खातून हूं, जी कुछ जी ना कुछ मैं कर करके हंसाती रहती हूँ लोग। दैट्स वेरी गुड। तो वो उस वजह से मैंने कहा मुझे कोई कॉमेडी रोल देता ही नहीं था, कहते आप जी ट्रेजेडी, वो बस वो बड़े ऐसी आंखों में आपके आंसू खुद आ जाते हैं, आप तो नेचुरल हैं, क्या ट्रेजेडी आप करती हैं, वाह वाह, मैंने खुदा का वास्ता, मैं तो गमगी ये ट्रेजेडी रोल कर करके तो मैं घर में भी रोनी शक्ल बनाए बैठी। एक्चुअली पता है वो हमारे पे ना एक स्टैंप लग देता है मैम, वो आपको जो मतलब अगर जैसे बहार बेगम थी, वो नगमा बेगम रही हैं, तो जज्बात वो, अब ये है कि वो चाह कर भी बेचारियाँ वो उस चीज में नहीं आती। अब जैसे अब इंडियन राखी अगर आप देख लें तो वो मदर ही का करेक्टर ही शुरू में उन्होंने एज ए हीरोइन किया, लेकिन जब उनपे एक मदर का स्टैंप आया तो वो मदर ही मदर ही चलती आई, बेचारी जवानी में मेरी तरह मदर बन गई वो, मदर मैं भी एक जगह मदर मदर ही बनती रही। मैंने कही खुदा का वाकई ये सब सारे लोग मुझसे बड़े हैं उम्र में, मैं उनकी अम्मा बन के बैठी हुई हूँ। बस हमारा ना इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब हम एक चीज को सोच लेते हैं ना कि पुप्पो अच्छी लगती है, तो बस पुप्पो का ही करेक्टर देना है। भेड़ चाल जी। तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ पूरी इंडस्ट्री को कि आप एक्टर को, एक्टर वो होता है जो वर्सटाइल हो, उसको सब तरह से काम दे ताकि उसकी जो एबिलिटी है वो निकले, वो भी बता सके कि भी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो बाकी आपका कोई लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कभी बहुत ज़्यादा उसको याद करके खुश हुई हो और बहुत दुखी हुई हो, कौन से ऐसे दो एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात? नहीं, वो यूँ हुआ कि जी मदर रोल, ये ओल्ड रोल कर करके मैं सख्त बेजार हुई। तो मेरे जो फरिश्तार थे जो ख़त मुझे भेजते थे, उन्होंने अलग मुझे झाड़ा, अम्मा बन के बैठ गई हैं, हमारे दिल टूट गए, हम तो आपसे मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, बेटे मुँह तुम्हारा भाई इश्क करते थे, तो अम्मा नहीं हमने बनना, हमने अम्मा भी बनना है, तुम लोग अब्बा बनते हो, हम लोगों ने भी अम्मा बनना है। वैसे आपको खूब आते थे लेटर, अब तब तो खत आते थे, बहुत लेटर आते थे, तो उसमें कई लोगों ने अपने खून से, मैं यही पूछने लगी मैम वो कितने खून से लिखा कभी नाम अपना? मैंने कहा मेरा तो भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये सूरत रोशनाई से लिखा है, वो रेडिंग से या वो मुर्गी का ले लेते होंगे। फिर झाड़े पड़ गई, वो कहते शर्म नहीं आती, डूब मरे कहीं जाके, आपको तो कोई कदर ही नहीं है यार। मैंने कहा क्या गलती होगी भाई। फिर एक दफा शूटिंग में वही चार साहब जो थे जी जी, बड़ी मुश्किल से वो गिरते पड़ते मेरे तक पहुंचे, बड़े फासले अच्छा। पे खड़े रहे आने जी जी, जी जी तो उन्हें बाबा के बदन कहा मैं वो ही हूँ मैंने खून का से आपको खत लिखा था, आपने मेरी कदर नहीं की। मैंने कहा भाई बड़ी माफी माफ कर दे, मैंने गड़बड़ी गलती, ये तो बात सच्ची देखे थी कैसे कैसे आपको फैन मिल जाते हैं, मेरी कदर करना चाहिए वाकई। लेकिन आप मतलब आप जब बाहर जाती थी और जब रोड्स पे निकलती थी शॉपिंग करना, तो क्या कवर करके आप तो माशाल्लाह बहुत मशहूर होंगी और लोग बहुत पहचानते होंगे, नकाब वगैरह करके, दुपट्टा बिल्कुल आंखों पे ऐनक, दुपट्टा बिल्कुल। एक दफा किसी ने पहचान लिया खवातीन ने जी 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 बाजार में, तो मैं कुछ घबरा सी गई, उसने दूसरों को बुला लिया, कह रही आप वो, मैंने कहा नहीं मैं तो वो नहीं हूँ, नहीं आपकी शक थोड़ा लगता है, मैंने कहा लगता है मैं हूँ नहीं वैसे। अच्छा, बड़ी मुश्किल, पता नहीं क्यों मैं घबरा गई, नर्वस हो गया। नहीं हालांकि फिल्म एक्टर तो आपको पता है वैसे ही मतलब उनमें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है। हमारे आप देखे ना सेट पर कितने कितने 100 बंदे हो जाते हैं जब सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, थोड़ी सी घबरा गई, वो बाजार था तो शायद बाद में मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा बुरी बात है, इतनी शौक से मोहब्बत से वो बेचारी बात कर रही थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आपने बस जब इंडस्ट्री छोड़ी तो उसके बाद फिर कुछ नहीं इससे ताल्लुक ही बिल्कुल इख्तियार कर ली या थोड़ा बहुत कभी? शादी के बाद तो छोड़नी थी ना। अच्छा,
तो लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, तो वो ज़ाहिर है मियाँ जी को पसंद नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री में रहती, तो मतलब फिर वो भी पठान रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, वो मियाँ भी, अच्छा अच्छा, तो ज़ाहिर है लेकिन मैं, मेरे वालिदैन भी पसंद नहीं करते। लेकिन आप तो, आपको पता है पठान बड़े एडवांस हो गए, अब आप देख लें, अब हो गए हैं। हाँ जी, अब कोई हमारी इंडस्ट्री में इतने पठान हैं जिनकी बेगमात सब जगह आ रही हैं और कर रही हैं, तो उस दौर में नहीं थे हमारे खानदान में, दोबारा नहीं हमारे खानदान में। मेरी भांजियाँ जो है, चचादार बहनों की, भाइयों की बेटियाँ, वो उन्होंने आधा तालीम हासिल किए, डॉक्टर हैं, लेकिन वो नकाब करके वो जाती थी पढ़ने के लिए, तो नकाब होता था जी। और चेहरे पे सिर्फ आंखें खुली हैं, बस वो पढ़ना इतना, तो वो इस तरह उन्होंने आला तालीम भी पर्दे में हासिल की है। अच्छा, तो अब ऐसे आपका कोई मतलब मीडिया वालों से कोई ताल्लुक है, कभी को आता है, कोई पूछता है या बिल्कुल नहीं? बस वो इंटरव्यूज वगैरह देती हैं। अच्छा, इंटरव्यूज वगैरह देती हैं मुख्तलिफ चैनल में, तो किसी को मिलने मिलने नहीं जाती आप, लाइक पुरानी जो हो गई? कोई है नहीं, थोड़ी बहुत तो है अभी, दीवा कर नगमा जी हैं, नगमा निशो हैं, लाइक दुर्दाना हैं, फिर आई थिंक मुशर्रत मुशर्रत शहीन भी हैं। नहीं उनको नहीं, आपने उनको मैंने कभी एक दफ़ा देखा था कहीं। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं, मैं नहीं अच्छी तरह जानती। अच्छा अच्छा, तो शमी महाराज से दोस्ती थी, वो तो बेचारी फौत हो गई, अल्लाह बख्श, दीबा कराची चली गई है। हाँ, दीबा चली गई, नगमा से गपशप हो जाती, भाभी दीबा से गपशप हो जाती। अच्छा अच्छा, शबनम का भी कल फोन आया था, शबनम का। अच्छा अच्छा, यानी कि चले इनसे तो थोड़ा बहुत है ना, कि चले कहीं दिल लगा रहता है। तो कभी अलहमरा वगैरह कोई शोज वगैरह में ही देखने को? मुझे शौक नहीं है सर, पता है मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती। अच्छा, वो जो होता है तकरीरें शुरू हो जाती जी जी जी, तो भाई आप तकरीर करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, वो क्या होता है कि वो माइक्रोफोन में एलफी लगा के पकड़ते हैं। सॉरी, बात तो आप सही कर रही, ये एलफी लगा के पकड़ते, फिर वो छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ दिया मैं, जब कोई जवाइयाँ ले रहा है, कोई सो रहा है, देखा कैमरा आया तो एक साहब सो रहे हैं। अच्छा, एक साहब जब वो यूँ करके बैठे हुए, बेचारे सो रहे हैं, कोई जवाइयाँ ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो मैं कही वही खुदा के बाद मैं नहीं जाता। अच्छा, जैसे तो मैं जाती नहीं। प्लीज़ ये ख्याल किया करें, आप जो तकरीरें करते हो, हम लोगों का भी ऑडियंस का ख्याल किया करो, हम बोर हो रहे होते हैं, हमें कुछ काम करके दिखाया करें। तो बाकी आप लाइक लाइफ का कैसा आपका अपना एक्सपीरियंस रहा, लाइक शादी से पहले का और शादी के बाद का, दोनों में बहुत डिफरेंस था, कौन सा मज़े का था? शादी से पहले जो इंजॉयमेंट है वो एज एन आर्टिस्ट, घरेलू लड़कियों का अपना वो और अंदाज हो जाता है। बिल्कुल, हमारा ये कि हम शादी से पहले इंजॉय कर रहे हैं, अब शादी होगी बहुत खुश है, मेरे हस्बैंड है, अब वो इंतज़ार हो रहा है, रात को शाम को आ रहे हैं, खुशी खुशी हम फिर माशाल्लाह अल्लाह देगा उसकी खुशी जी। तो वो जो होती है, और मैं समझती हूँ कि औरत की सबसे बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद होती है। बेशक, ऐसे ही, और अगर अच्छा शौहर मिल जाए तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा, लेकिन अफसोस के अच्छे शौहर मिलते नहीं। बस ये बात भी सही है, मार्केट से आउट हो गए अच्छे शौहर, इनके बनने बंद हो गए मेरा ख्याल है ना जी, आजकल तो बस प्रोडक्शन नहीं हो रही। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और देखें नाज़रीन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, हम बड़ी ही खूबसूरत बातें कर रहे हैं और बहुत मज़े की करें। बाकी आप कुछ हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना या कोई अपने दिल की बात या कोई खूबसूरत सा पैगाम देना चाहती हूँ तो ज़रूर। सबसे खूबसूरत पैगाम जो है वो जो खुदा और रसूल ने दिया। बेशक, तो मैं तर्जमे से कुरान में पढ़ा हुआ है और अभी भी पढ़ रही हूँ। मेरा बस पैगाम एक है कि आप चूंकि मुसलमान हैं जी, तो आप मुसलमान ही रहें। बेशक, आप किसी को कॉपी ना करें, और जो कुछ हमें अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर चलें। बिल्कुल ठीक, नहीं है। चलेंगे तो आपका अपना नुकसान है। बिल्कुल, आप 7 साल के बच्चे के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी तरबियत शुरू कर दो। जी बेशक, तो हम समझते हैं 7 साल का बच्चा है, अभी इसको क्या कहना, जो वो नाजायज जायज जो भी वो फरमाइशें करेंगे माँ बाप पूरे कर गए। बेशक, ऐसे तरबियत करें, 7 साल की उम्र, 10 साल की उम्र है नमाज फ़र्ज हो जाती, उसको नमाज पढ़ाएं। बिल्कुल सही, 7 लेडी नमाज पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं कि जो बहाने 100 बहाने उसके होते, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही, अभी कहीं से आपको पता चले कि सुबह 5 बजे या रात के 2 बजे समझ लें, जी जी, फला जगह आप जाएंगे तो वहाँ से 5,000 रुपये आपको मिलेंगे, आप 2 बजे अपनी नींद हराम करके भागे जाएंगे, 5,000 वहाँ से मिल रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन नमाज के लिए आप कहें छोड़ो यार, सो जाते हैं। बेशक, ऐसे है। तो मेरी ये लोगों से कि खुदा के लिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उन पे कड़ी नज़र रखें, और ये टच मोबाइल जो है ना, मोबाइल आप बजाते खुद
कोई बुरा नहीं है, सही है, आप उस पर निगाह रखें। अपने नौजवान लड़के लड़के अपनी बेटियों नौजवान बेटियों और बेटों को जी मोबाइल की क्या ज़रूरत है, अगर है वो देखना है तो चलो माँ बाप के मोबाइल पे देख लें जो कुछ देखना हो। और मैंने देखा मेरे पास मोबाइल है, यकीन माने मेरी मैं कांप जाती हूँ जब उसमें से कोई चीज़ें एकदम से गुजरती हैं किस कदर में। मैं तो देखे ना क्या हो रहा है आजकल, लड़कियाँ अपने घरों से जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी इतनी इस मुल्क की फ़जाओं में नहूसत फैल गई है, कत्ल हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। तो ये नहूसत हमें हटाना चाहिए। तो मैं माँ बाप को ये तरबियत अपील करूँगी कि खुदा रहा अपने बच्चों को इस तरह रखें, उनको कई अपने बच्चों को दुकानों पे ना भेजें, इधर उधर ना भेजें, खुद जाएं, ज़रा तकलीफ़ करें, सुस्ती ना करें। बेशक आप देखिए कि बच्चों को खासकर नौजवान छोटी बच्चियों को तो हाँ, मेरी तो यही अपील है। बेशक जी बेशक, नहीं जी बड़ा खूबसूरत है, खैर इन्होंने पैगाम दिया। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हमें इंटरनेट का बहुत फ़ायदा है, लेकिन बात यह है कि उसको एक अच्छे ज़राए के लिए यूज़ करें, किसी अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ ही हम इनसे इजाज़त जाएंगे। साबरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि हमने इतने बड़ी फनकारा के से इंटरव्यू किया, इनसे बहुत सारी बातें सुनी और सीखी। सो नाज़रीन, अब आप भी बताइएगा कमेंट्स देकर कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।